वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आपने सभी फूड वीडियोस देखी और उसमें आपने देखा कि ऑयली फूड जो है सर्व किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको हेल्थी फूड दिखाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल हेल्थी फूड, मैक्सिकन आइटम्स, मैक्सिकन रैप, टोटीला। और आप देख रहे हैं कैसे गोली की स्पीड से जो है पर ये सब्जियाँ काट रहे हैं, देखिए। और ये जो टोटीला रैप है ये पूरी तरह से हेल्थी है, क्योंकि इसे जो है हल्के से ऑलिव ऑयल में सॉटे किया जाता है। ये देखिए कैसे गोली की स्पीड से पाई जो है सब्जियों को काट रहे हैं। और आप सामने अगर देख पा रहे हो तो जो वेजिस का जो पाई ने पूरा गार्डन बना रखा है, जो आपको एक महंगे रेस्टोरेंट में जो मिलती हैं वेजिटेबल्स, वो सारी आपको यहाँ स्ट्रीट फूड में मिलेगी और बिल्कुल एक नॉमिनल से प्राइस में। तो देखिए कैसे जो है एवरग्रीन जो है वेजिटेबल यूज़ की जा रही है इसके रैप के लिए, और बिल्कुल हल्के से माइल्ड से जो है जो इन टॉटीलेस रैप्स के जो मसाले होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और यहाँ पे हम आपको मेकिंग भी दिखाएंगे इस वीडियो में कि कैसे जो है मेकिंग होती है इस टॉर्टिला रोल्स की। ये देखिए अभी जो मशरूम है इसे सौते किया जा रहा है। और इनकी जो खास बात है कि जो टॉर्टिला रैप्स है वो भी मार्केट के नहीं है, इनके खुद के बनाए हुए हैं। जी हाँ, इनके खुद के बनाए हुए जो कि बीटरूट से बनते हैं, बीटरूट के जूस से। और एक और है इनके पास, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ग्रीन, ये स्पेनिश और जो घिया है उसके जूस से बनते हैं। और ये 100% जो है वीट है, कोई मैदा यूज़ नहीं किया गया इसमें। और यहाँ देखिए कैसे जो है बल्क में ऑर्डर जो है रेडी हो रहा है। ये इन पाजी की दांत माननी पड़ेगी, इन्होंने जो तिलक नगर की जनता को हेल्दी खाना जो है सिखा दिया है। खाना लोग काफ़ी जो है पसंद कर रहे हैं इनके रैप्स को, क्योंकि ये फुल ऑफ वेजिज होते हैं। और वेजेस भी ऐसी नहीं जो आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट मैक्सिकन में मिलती है, वो वेजेस आपको यहाँ पर मिल रही है, वो भी एक नॉमिनल से प्राइस में। तो आई अप्रिशिएट कि भाई जो है अच्छा खाना खिला रहे हैं तिलक नगर की जनता को। तो आप भी अगर तिलक नगर के एरिया के आसपास हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बारी। अभी थोड़े बिजी चल रहे हैं भाई, तो इसलिए मैंने जो है अपना जो कवर किया भाजी को कि कैसे जो है ये। तो आप भीड़ देख सकते हैं, पहले एक बार भीड़ देखिए कितने लोग जो है यहाँ पर हेल्थी खाना खाने के लिए आ रहे हैं। और किस हिसाब से देखिए, एकदम जो है रोल फटाफट तैयार किए जा रहे हैं गोली की स्पीड से। पाजी भी अपनी वेजेस सॉर्टे कर रहे हैं, और ये पाजी की वाइफ है जो मतलब इनका हाथ नहीं रुक पा रहा है, एकदम एक जो है रैप ये क्रिएट किए जा रहे हैं। तो आई बिलीव पाजी ने तो खाना जो है हेल्दी खाना सिखा दिया है तिलक जनता को, और जल्द ही ये अपना जो है एक्सपेंड करेंगे। और देखिए कैसे वेजेस जो है भरपूर हैं इस रोल के अंदर, और हल्के से माइल्ड से जो है इनका जो मसाला होता है रैप्स का। ये मसाले के बारे में मैंने पता किया भाई का कि जो है मसाला भी है ये अलग से मिलता है, गन पाउडर रोल और अलग अलग नाम के जो है रोल्स हैं, इन सबका मसाला अलग होता है। और ये जो मसाला भी है वो कुछ दाल से बनता है, पल्सेस से उन्हें रोस्ट करके। तो देखिए कैसे एक के बाद एक जो है रोल तैयार किए जा रहे हैं।
और अपाजी के कार्ड का जो नाम है वो है रैपट, जो कि आपको तिलक नगर में इनकी लोकेशन है, 7 मंजिला मंदिर के वहाँ उसके जस्ट राइट साइड में सेकंड चौक। तो देखने में कितना अपीलिंग लग रहा है ये रैप, और कितना एवरग्रीन लग रहा है, कितनी वेजिटेबल्स हैं, तो मेरे को तो मेकिंग काफ़ी अच्छी लगी। आई होप आप सबको भी जो है मेकिंग अच्छी लगी, और आप एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे इनका रैप। तो हम भाजी जो है फ्री हो गए हैं, और भाजी से एक बार कंफर्म करते हैं कि कैसे स्टार्ट किया उन्होंने और कैसा ये कॉन्सेप्ट सोचा उन्होंने कि हेल्दी खिलाया जाए। तो आइए चलते हैं, करते हैं भाजी से बात। सत्या भाजी, की नाम है भाजी अपना? विक्रम। विक्रम भाई, शॉप देना आ गया अपना रैपट। रैपट तो ये भाई है जिन्होंने तिलक नगर को हेल्थी खाना खिलाने का जो है ठेका लिया। तो भाई किवें सोचा हेल्दी कॉन्सेप्ट की? सर ये सोचा सीगा कि कुछ करा थे, बहुत ज्यादा हेल्दी हो गया। ज्यादा हेल्दी हो गया क्योंकि उन्हें तुसी देखोगे इत्थे अनहेल्दी दौर है, लोगों को सबनु मैदा खाना पसंद है। ज्यादा हेल्दी कहना मतलब है कह सकदे हो कि मतलब वेस्ट दिल्ली के अंदर हेल्दी खिलाने का मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है। वेस्ट दिल्ली बटर चिकन, फिर तंदूरी चिकन, ये सब में चलती है, बटर घी, देसी घी, सब नू इत्थे मतलब स्पाइसी खाना पसंद है ते नाल ऑयली फूड खाना पसंद है। ऑयली जंक फूड ज्यादा चलता है यहाँ पे। तो हुण तुसीं ये मतलब ठीक लगता है कि चेंज करनी है जनरेशन नू, है अनहेल्दी जनरेशन हेल्दी जनरेशन बनाना? हाँ, एक डॉक्टर भी तो होना चाहिए। नहीं भाई, मैं तो वहाँ खाओ अपनी तबीयत बिगाड़ो, फिर डॉक्टर जब सलाह करे कि वो आप सब्जियाँ वगैरह खाओ तो यहाँ आ जाओ, पैसे बचेंगे। पैसे बचेंगे नाल सेहत भी सही होएगी। मैं लगता है अगले 2 साल से तिलक नगर मतलब किसी की टम्मी नहीं दिखेगी, सब अंदर हो जाएगा। नहीं नहीं सर, ऐसा है कि मतलब आजकल आप देखोगे ना हार्ट अटैक का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो जस्ट बिकॉज अनहेल्दी खाने की वजह से ना। अनहेल्दी खाने की वजह से और ट्रांस फैट खाने की वजह से, छोले भटूरे हो गए। ट्रांस फैट सबसे पहले जानना बहुत जरूरी होता क्या है, एक तेल को साड़ते जाओ साड़ते जाओ साड़ते जाओ साड़ते जाओ, उसकी न्यूट्रिशन खत्म हो गया बिल्कुल, वो ट्रांस फैट हो गया। तो वही लोग उसी में, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है, कोई ताज़ा तेल डाल के राजी नहीं है। मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला कि जो हम सब्जियां भी सौते करते हैं उसमें भी तेल नहीं डालते हैं। वो भी आप ऑलिव ऑयल यूज करो, ऑलिव ऑयल क्या है, वो भी माइल्ड सा, वो भी ज़्यादा नहीं है ऑलिव ऑयल भी। ऑलिव ऑयल है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको डुबो डुबो के पूरा ऊपर मतलब कोर कर करके खिलाओ सब्जी, मतलब जो भी सौते होती है उसमें ऑयल नहीं डालते हैं। उसके जगह देख रहा था आपके पास वेजीज है ना, वो नंबर ऑफ वेराइटीज है, मतलब काफ़ी तरह की वेराइटी है जो कि ये सब कुछ एक तो बताएंगे क्या कौन सी होती है वेराइटी। ठंड आ जाएगी तो मतलब पूरा गार्डन ही बन जाएगा ये, मतलब ठंड का वेट करता रहता हूँ। गर्मी आती है, गर्मी मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि कुछ एक सब्जी आती है अभी हर जगह में, मतलब लैंड स्लाइडिंग वगैरह हो रही है, उसकी वजह से सब्जियां भी नहीं आ रही है, लेटस भी अच्छे नहीं आ रहे हैं अच्छी, इनकी फिर शेल्फ लाइफ भी कम होगी ना इनकी फिर उस हिसाब से। नेचुरली सर अभी ओपन स्पेस है, घर में इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव सब्जियाँ हैं, बस ये कुछ डिस्प्ले में रखते हैं, बाकी सब अंदर मतलब ये बॉक्स में रखते हैं। तो मतलब आपका सबसे बढ़िया मतलब जो ज़्यादा डिमांडिंग रोल है रैप है कौन सा? मेरा फोकस ही रैप है कि मतलब कहने का मतलब बहुत सारी सब्जियाँ एक रैप में डाल के कस्टमर को दे दो। इसका जो मैं बेस भी देख रहा था वो भी आपने आपने खुद क्रिएट किया है बेस भी ना? हम जब शुरू से ही दुकान खोली तब से ही वेट में ही खिलाते आ रहे हैं। तो मतलब लोग पहले क्या कहते थे, कहते थे मैदी की रोटी लगाओ ये, हमने किसी की नहीं सुनी, हमने कहा यही खिलाएंगे, अगर होगा तो चलेगा ठीक है, नहीं तो देख लेंगे। तो ये जो बेस भी है ये भी वीट वीट का, फ्लोर का नहीं है? हाँ जी, किसी कुछ नहीं, इसमें जूस यूज करते हैं सीधा आटे में गूंद के। एक आपका बीट रूट वाला भी बेस है ना? बीट रूट है, पालक घी का होता है, फिर घी का होता है, अगर घी का कलर अच्छा निकल जाता है तो पालक नहीं डालते हैं क्योंकि घी का कलर निकालना बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा पालक सपोर्टिंग होता है आ जाता है उसमें कलर। अगर पूरा पालक का निकालोगे तो पालक पकानी पड़ती है कच्चा, मतलब तो ये दोनों को मिला के काफ़ी अच्छा चलता है। तो भाई रैप के अलावा क्या ऑप्शन है अवेलेबल आपके पास? अगर कोई थोड़ा सैलेड हो गए, रैप हो गए, फिर अगर आपने कम सब्जियाँ खानी है तो बर्गर लीजिए, थोड़ी ज़्यादा खानी है तो आप सैंडविच लीजिए, थोड़ी और ज़्यादा खानी है तो कैसेडिया लीजिए, और ज़्यादा खानी है तो रैप लीजिए, सबसे ज़्यादा खानी है तो सैलेड लीजिए। तो खिलाने का तरीके मैंने आगे लिखे हुए हैं। पास्ता वास्ता भी अवेलेबल है आपके पास? पास्ता वो 200 सॉस में अवेलेबल है, वाइट और तीनों सॉस में अवेलेबल, मिक्स मिक्स पेरी पेरी पास्ता है। यहाँ पर मिक्स सॉस पास्ता सबसे ज़्यादा मतलब पसंद किया जाता है क्योंकि उसमें ब्रोकली जुकिनी वगैरह इंपोर्टेड वेजिटेबल्स सब होती है। भाई अभी अपनी एक बार टाइम बता दीजिए और ऑफ कब होता है एक बार, और ये लोकेशन क्या है? 4 to 10:30 या 11 और वेडनेसडे को ऑफ होता है।
और ये भाई इस शॉप के लोकेशन के बाहर आप ये है, ये शॉप है काला इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बिल्कुल अपोजिट और सामने फ्रूट मार्केट है इधर नगर, ये लेफ्ट साइड में 7 मंजिला मंदिर है, मेन गेट के पास ही है, उसके सामने मिलेंगे भाई। वेनसडे ऑफ होता है, वेनसडे भी ओपन रहती है सर। अब तो क्या नाम है, सीजन आ गया है, दिवाली वगैरह सिर पर ही है, बस ये सितंबर चालू होते सारे तो कोशिश करेंगे ना करें। थैंक यू सो मच भाई हमें टाइम देने के लिए और हमारे चैनल को टाइम देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, आप ऐसे ही लोगों को हेल्थी खाना खिलाते रहो और वाह वाह बटोरते रहो। तो गाइस यहाँ हमारे लिए रेडी हो रहा है गन पाउडर रोल, तो देखिए किस गोली की स्पीड से जो है भाई सब्जियाँ जो है वेजिटेबल्स इन्हें काट रहे हैं और काफ़ी वैरायटी जो है वेजिटेबल्स की स्प्रेड होती है और हल्के से वाली वाली में जो है सॉर्टिंग किया जाता है विद गन पाउडर जो इनका खास पाउडर है और लेटस और कई तरह प्रकार की जो है वेजिटेबल्स में यूज होती है। और जो मैंने यहाँ पर बेस ट्राई किया है वो बीट रूट बेस है जो कि बीट रूट के रस से बना हुआ है। देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है और कितना मतलब आई कैचिंग है ये रोल, आप देखिए एक जरा। आई होप कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, बहुत हेल्थी रोल है ये और भाई ने जो है बिल्कुल वाकई लोगों को हेल्थी खाना खाना सिखा दिया। तो यहाँ रेडी हो चुका है हमारा गन पाउडर रोल और मैं फर्स्ट बाइट लेता हूँ और आपको इसका टेस्ट बताता हूँ। काफ़ी फुल ऑफ वेजीज़ है और एकदम जो है भरी हुई है वेजीज़ के अंदर, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका और जो हल्का सा जो मसाले हैं गन पाउडर उसका भी हल्का सा जो है माइल्ड सा टेस्ट आ रहा है, बहुत हैवी नहीं है मसाला, बिल्कुल लाइट है माइल्ड सा, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है। आप भी मेरे रिकमेंड पे ज़रूर ट्राई कीजिए यहाँ पे तिलक नगर में रैपट में। और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को 10 20 50 बार अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।